नमस्कार दोस्तों, मैं एजे आपका स्वागत करता हूँ एवरीडे ऑलवेज वेल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज हम जानेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेजर हड़प्पन फेस 2600-1900 BCE। तो ये कुछ शहर हैं हड़प्पा के, आप देख सकते हैं कहां कहां तक ये सभ्यता फैली हुई थी। संसार की सर्वाधिक प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता भी एक है। सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल शहर के क्षेत्र में आता है। पहली बार 1921 में जॉन मार्शल के डायरेक्शन पे दयाराम सानी ने इस स्थल की खोज की थी। हड़प्पा शहर के अधिकतर उत्खनन क्षेत्र का विध्वंस रेलवे लाइन के निर्माण के चलते हुआ है। इस स्थल की खुदाई में शामिल मुख्य इतिहासकारों में दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, मोर्टिमर व्हीलर शामिल थे। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र, आइए कुछ क्षेत्रों को देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान, सुत के दो सुत का को बालाकोट, डाबरकोट, सिंध मोहन जोदाड़ो, चन्हू दड़ो, कोटदीजी, अली मुरीद, पंजाब पाकिस्तान, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सराय खोला, गनेरीवाल, पंजाब भारत, रोपड़, संधोल, बाड़ा, कोटला, निहंग खाल, हरियाणा, बनावली, मिथाथल, राखीगढ़, जम्मू कश्मीर, मांडा, राजस्थान, कालीबंगा, उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, अंबाखेड़ी, कौशाम्बी, गुजरात, रंगपुर, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा, मलवाड़, भगवत राय, धौलगिर, महाराष्ट्र, दाइमाबाद। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल के बारे में, जहां से हमें कुछ ना कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हमें काफी कुछ बताते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के अन्नागार, मजदूर बस्तियां, मोहरें, मूर्तियां, उपकरण आदि मिले हैं। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले के धोलुका तालुका में स्थित है। यहां से एक गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। रंगपुर, रंगपुर गुजरात में स्थित है। यहां से उपकरण, मिट्टी के बर्तन, बाट आदि मिले हैं। धौलावीर, धौलावीर गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में स्थित है। यहाँ के अनेक जलाशय, एक विशाल स्टेडियम, प्राचीन द्वार आदि के अवशेष मिले हैं। राखीगढ़, यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से दुर्ग, प्राचीर, अन्नागार, अग्निदेव वेदिकाएं, गोलियां, मूर्तियां, मनके आदि मिले हैं। बनावली, यह हरियाणा में फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, अग्निवेदिकाएं, गोलियां, मूर्ति, मनके आदि मिले हैं। रोपड़, यह पंजाब में स्थित है। यहाँ से मकान, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन आदि मिले हैं। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आइए जानते हैं कुछ सामाजिक विशेषताओं के बारे में। इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी? भारत में सबसे पहले शहरीकरण अगर कहीं हुआ तो यही हुआ था। नगर नियोजन बहुत अच्छे तरीके से हो रखा था, पूरी टाउन प्लानिंग की गई थी, नालियां थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, ग्रिड पैटर्न था, समाज में समानता थी, प्रेम का भाव था, लोग मिलजुल के रहते थे। आइए जानते हैं कुछ आर्थिक विशेषताएं। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, व्यापार वाणिज्य चलता था, निर्यात आयात होता रहता था। यहाँ पर कपास के उत्पादन के भी अवशेष मिले हैं। पैमाना, माप की इकाई, इसके बारे में भी जानकारियां मिली हैं।
तौल और हड़प्पा संस्कृति में ही अस्तित्व में सटीकता के उपाय। इसी संस्कृति में माप की क्या धारणा है, किस तरीके से तौला जाता है, क्या उसकी वैल्यू है, सब पता चला। वजन जो था वो चूना पत्थर, साबुन का पत्थर आदि के बने थे और आमतौर पर आकार में घनीय थे। एक डॉक यार्ड की भी खोज की गई है जो कि लोथल में था। आइए जानते हैं धार्मिक विशेषताओं के बारे में। किन देवी देवताओं की पूजा होती थी यहाँ पे? माँ शक्ति, यौन अंग, पशुपति महादेव पशुओं के प्रभु, यौगिक स्थिति संरचना, प्राकृतिक की पूजा, जानवरों की पूजा जिसमें गेंडा बैल, वृक्षों की पूजा, पीपल का वृक्ष जो आज भी पूजा जाता है। यहाँ के लोग आग की भी पूजा करते थे, हवन कुंड करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण यही वो राज है जिनके बारे में मैंने आपको बताना चाहता था। ये एक रहस्य बनकर रह गया है कि इस इतनी परिपूर्ण फूलती हुई सभ्यता अचानक से कैसे समाप्त हो गई। कुछ साक्ष्य तो मिले नहीं है, लेकिन जो भी चीजें मिली है वो एक अनुमान मात्र है। विद्वानों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण सब कुछ तहस नहस हो गया, सिंधु नदी का रास्ता मोड़ दिया गया जिसके वजह से जलवायु परिवर्तन हुआ, बाढ़ आई। इसके अलावा पर्यावरण का सूखा होना, ये माना जाता है कि आग जलाने के लिए वृक्षों को काटा गया और एक समय ऐसा आया कि सारे वृक्ष समाप्त हो गए, घास नहीं बची, जिसकी वजह से लोग समाप्त हो गए। विदेशी आक्रमण भी कह सकते हैं एक कारण जिसे विद्वान मानते हैं। विद्वानों का कहना है कि आर्यन जो यहाँ पे आए थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने इस स्थानों पर आक्रमण करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। प्रशासनिक शिथिलता से मतलब है कि जो यहाँ का राजा था, प्रजा ने उसकी सुननी बंद कर दी और आपस में मारकाट मचा और लोगों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी महामारी के फैलने की भी आशंका है, हो सकता है कि, लेकिन सब आशंकाएं हैं, इसके प्रमाण कुछ मिले नहीं हैं अभी तक। और यही प्रकृति की गोद में बहुत गहरा राज है कि इतनी अच्छी सभ्यता अचानक से कैसे विलुप्त हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ट्विटर इंस्टाग्राम के लिए आपको लिंक मिल जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।